अंकित के जाते साथ क्या प्रियंका के खिलाफ अर्चना और सौंदर्या ने अपनी साजिशें शुरू कर दी हैं। जिस तरीके से नया प्रोमो सामने आया है उससे एक बात तो तय है कि अर्चना मानो अंकित के बाहर जाने का इंतजार ही कर रही थी और वो सिर्फ ये सोच रही थी कि कब अंकित बाहर जाए और वो प्रियंका को आड़े हाथ ले। अंकित सभी ने मिलकर जो है उसे एलिमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा वोट उसे मिले और जाहिर सी बात है कि अब वो बाहर आ जाएगा, लेकिन प्रियंका टूट गई। प्रियंका को विश्वास नहीं हो रहा, उसने बोला कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अर्चना ये बोलती हुई नजर आई कि ये हमें कहता था ना कि लानत है तुम लोगों पर, मैं 12 हफ्ते तक पहुंच गया, यानी कि अंकित की वजह से। तो अब ये कहते हैं कि सौंदर्या कि ये तो अंकित के कंधों पर चढ़ चढ़ के स्ट्रांग इसने अपनी इमेज बनाई है, हम लोग तो पहले दिन से ही यहाँ पर अकेले हैं और स्ट्रांग बने हैं। तो अब सौंदर्या और अर्चना, जहाँ एक तरफ प्रियंका रो रही है, ये दोनों लगातार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि प्रियंका का गेम कितना कैसा था, अंकित की वजह से वो थी, अब अकेली होगी तो पता चलेगा। अर्चना तो ये भी बोलती हुई नजर आई कि अब तो इसका गेम कल से शुरू होगा ना, कल से तो ये अकेली होगी। तो कहीं ना कहीं अर्चना और सौंदर्या अब अकेली जब प्रियंका हो जाएगी तब उसको कैसे टारगेट करना है, परेशान करना है, इस तरह से जो टोन है उनका टोन पूरा का पूरा उसी अंदाज में है कि अब बताएंगे ना हम उसे कि अकेले रहना क्या होता है, अब बताएंगे कि किसी के कंधे पर तो आप स्ट्रांग बन सकते हैं पर जब अकेले होते हैं तो कैसे गेम खेला जाता है। तो ये है अर्चना और सौंदर्या की दोस्ती। मैं आपको बता दूं कि अर्चना तो डांस करती हुई भी नजर आई और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर इस बात को ट्रेंड किया गया है कि अर्चना जैसे दोस्त वाकई में नहीं होने चाहिए और अर्चना की जो हरकत है उस पर लोगों का गुस्सा भी फूटा है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं।